बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ओपन योर स्मार्ट सोशल स्टडीज़ क्लास फोर्थ, पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज हम आपके न्यू चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको गौर से सुनिएगा, सब बच्चे अपनी बुक्स इसके साथ ओपन करें। सबसे पहले हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे। डोमेस्टिक नंबर वन पे है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक किसको कहते हैं? रिलेटिंग टू अ पर्सन्स ऑन कंट्री, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मुतलिका शख्स के अपने मुल्क से रिलेटेड हो, इसको घरेलू भी कहा जाता है। डिस्ट्रक्शन, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग और द फैक्ट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, कोई भी चीज़ जिस जो कि तबाही के मनाजिर पेश कर रही हो या जो डिस्ट्रॉय हो रही हो, तबाह हो रही हो। रिजर्वियर, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग लिक्विड, एक ऐसी जगह जो कि लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि पानी। स्पेशली आर नेचुरल, स्पेशली आर नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, जैसे कि कोई झील जो कि नेचुरली तौर पर बनी हो, यानी कुदरती तौर पर बनी हुई झील हो, या फिर आर्टिफिशियल खुद से बनाई हुई झील हो। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर अ सिटी और अदर एरिया, जो कि हमें पानी मुहैया करती है किसी भी शहर के लिए या किसी और इलाके के लिए या जगह के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। द रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रेट स्नो कवर्ड हिमालय एंड कराकोरम रेंजेस। पाकिस्तान का जो दरियाओं का सिस्टम है, यानी दरिया का जो सिस्टम है, वो कहाँ से शुरू होता है? उसकी शुरुआत होती है हमारी बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय और कराकोरम की रेंजेस से। द रिवर्स विच आर ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस दैन फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड द डिस्प्यूटेड टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी दरिया हैं विच आर ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, जिनकी के जो कि मशरकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी छोटे छोटे दरिया जो होते हैं, ऑफ द इंडस बच्चों दरियाए सिंध को कहते हैं, और ट्रिब्यूटरीज हम कहेंगे दरियाए सिंध से निकलने वाले उसकी छोटी छोटी शाहें या उससे रिलेटेड जो छोटे दरिया निकलते हैं। देन फ्लो टू पाकिस्तान फ्राम इंडिया, जो कि पाकिस्तान में बहते हैं फ्राम इंडिया, यानी इंडिया की तरफ से, एंड डिस्प्यूटेड टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारे जो जम्मू और कश्मीर का मुतनाज़ इलाका है इसकी तरफ को जाते हैं। द कबुल रिवर विच इज़ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी, कबुल रिवर जो है, जो कि हमारा वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है, यानी हमारे मगरबी ट्रिब्यूटरीज की तरफ जाता है, ऑफ द इंडस दरियाए सिंध का, एंटर्स पाकिस्तान फ्राम अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से एंटर होता है, यानी दाखिल होता है। पाकिस्तान हैज़ 8th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी, पाकिस्तान के पास 8 बड़ी इकानमीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर यानी ज़रात से मुंसलिक हैं। एज़ ऑफ 2019, यानी 2019 के अकॉर्डिंग, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वेयर रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, जहाँ पर दरिया जो हैं वो ज़रात में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। देयर आर 5 मेन रिवर्स, यहाँ पर 5 बहुत अहम दरिया हैं, दैट फ्लो थ्रू पंजाब, नेमली जो कि पंजाब में फ़्लो करते हैं, पंजाब की तरफ बहते हैं, उनके नाम इस तरह हैं। नंबर 1 इंडस, यानी दरियाए सिंध। नंबर 2 जहलम, इसको उर्दू में भी जहलम ही कहते हैं। नंबर 3 चेनाब, यानी दरियाए चेनाब। नंबर 4 रावी, दरियाए रावी। नंबर 5 सतलुज, यानी दरियाए सतलुज। पंच मीन्स 5, पंच का मतलब होता है 5, एंड आब मीन्स वाटर, और आब का मतलब होता है पानी। These tributaries of Indus join at Mithankot. दरियाए सिंध की ये जो छोटे छोटे दरिया या शाखें हैं, ये मिथनकोट में जाकर इकट्ठी होती हैं, before flowing into the Arabian Sea, इससे पहले कि वो बहरे अरब में जाकर गिरें। बच्चों, अरेबियन सी को उर्दू में बहरे अरब कहते हैं, जहाँ पर दुनिया के तमाम जो समंदर है या दरियाओं का जो पानी है वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है। अराउंड 2/3 ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर इरीगेशन, तकरीबन 2/3 पानी का जो हिस्सा है जो हम आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड इन होम्स और घरों में इस्तेमाल करते हैं, कम्स फ्राम इंडस, वो दरियाए सिंध से हमें मिलता है। इरीगेटेड लैंड सप्लाइज मोर दैन 90% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है वो हमारा एग्रीकल्चर यानी ज़रात से मुंसलिक जो हमें प्रोडक्शन या पैदावार हमें हासिल होती है उसके काम आता है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ फूड, और जो हमारे मुल्क के लिए हमें खुराक वगैरह की ज़रूरत होती है उसमें भी जो
आबपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और तकरीबन 90% उनका इस चीज़ में हमें वो सप्लाई करती हैं। इट आल्सो हेल्प्स अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नाउ पेज नंबर ओपन द पेज नंबर 13। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये कुछ दरियाओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये देखें सबसे पहले नंबर पे है रिवर जेहलम, ये दरियाए जेहलम है। रिवर चेनाब, ये दरियाए चेनाब है। रिवर रावी, ये दरियाए रावी है। रिवर सतलुज, ये दरियाए सतलुज है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगी, आप सब बच्चे इन दरियाओं को ऑब्ज़र्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इनमें से किस किस दरिया को लाइव अपनी ज़िंदगी में देखा है या किस किस दरिया की सैर करने के लिए आप लोग गए थे। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाबात की मुंतज़िर रहूँगी। काइंडली आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। डैम्स एंड बैरेजेस, इसके बाद हम कर रहे हैं डैम्स और बैरेजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डैम्स क्या होते हैं। डैम्स रेजेस द लेवल ऑफ वाटर सिग्निफिकेंटली, डैम्स जो होते हैं वो पानी के लेवल को सिग्निफिकेंटली रेज कर रहे होते हैं, काफ़ी फीट तक ये लेकर जाता है। और बैरेजेस जो होते हैं ये डाइवर्ट करते हैं वाटर को, इसको रेज करते हैं सिर्फ फॉर फ्यू फीट्स यानी कुछ फीट तक के लिए। डैम्स एंड बैरेजेस आर बिल्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर रिवर वाटर, डैम्स और बैरेजेस जो होते हैं तामीर किए जाते हैं किस लिए, पानी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एंड स्टोर रिवर वाटर और दरियाओं का जो पानी होता है उनको जमा करने के लिए। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम है यानी नहरी निज़ाम मौजूद है। इट मीट्स द कमर्शियल डोमेस्टिक एंड इरीगेशनल नीड्स ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क की तिजारती घरेलू और आबपाशी की जितनी भी ज़रूरियात है इनको पूरा करता है। बहुत लार्ज एंड स्मॉल डैम्स, जितने भी बड़े या छोटे डैम्स हैं एंड बैरेजेस और बैरेजेस हैं हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर इंडस, सबके सब जो हैं वो कहाँ पर तामीर किए गए हैं, रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध पे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जितनी भी शाखें निकलती हैं यानी इससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे दरिया हैं उन पर इनकी जो छोटे छोटे डैम्स और बैरेजेस हैं वो तामीर किए गए हैं। नंबर टू पर आ जाता है आगे डैम्स। डैम्स आर बिल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, डैम्स कहाँ पर तामीर किए जाते हैं, पहाड़ी इलाका जात में जो कि थोड़े बुलंदी पर ऊंचाई पर होते हैं। वेयर वाटर फॉल्स फ्राम हायर लैंड टू द लो लैंड्स, जहाँ पर पानी ऊंची जगह से नीचे वाली ज़मीन पर ज़मीन की तरफ गिरता है या आता है। लार्ज डैम्स सच एज तरबेला एंड मंगला डैम, बड़े डैम्स जिनमें तरबेला और मंगला डैम शामिल हैं। डैम्स आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, डैम्स जो होते हैं वो कई मकासद को हासिल करने का मंसूबा होते हैं। विच नॉट ओनली स्टोर वाटर, जो कि सिर्फ पानी ही स्टोर नहीं करते एंड इरीगेट लैंड्स बट ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि हमारी ज़मीनों को सिराब भी करते हैं, आबपाशी के लिए बेहतर माने जाते हैं। एंड ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हमें पन बिजली हासिल करने का भी जरिया बनते हैं। द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर ऑल लोकेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बच्चों ये दरियाए सिंध और इसके जो छोटे दरिया हैं इससे मुतलक जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब का जो जरिया है पानी का वो सब पाकिस्तान के आउटसाइड है। इन समर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, गर्मियों में जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स बच्चों बर्फ़ से ढके हुए बिल्कुल बर्फ के बने हुए ही पहाड़ होते हैं। ऑफ द नॉर्थर्न एरियाज एंड हैवी मानसून रेन स्पीड दीज रिवर्स, जो नॉर्थर्न एरियाज़ के ग्लेशियर्स हैं और जब मानसून की जो तेज़ बारिशें होती हैं गर्मियों में, आपको पता है मानसून का मौसम जिसको हम मौसम बरसात भी कहते हैं, जब वो मौसम आता है और उसमें तेज़ बारिशें होती हैं तो वो सारे का सारा पानी दरियाओं में जाता है कॉजिंग फ्लड्स, और फिर इसकी वजह से सैलाब आते हैं। सैलाब जैसे कि आप जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो सैलाब की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर बहना शुरू हो जाता है। All this water creates havoc in our farms and fields. तो ये सारे का सारा पानी जो होता है ये बहुत बड़ी तबाही लाता है, कहाँ पर हमारे फार्म्स में और हमारे खेतों में हमारी जितनी भी फसलें होती हैं इनको तबाह कर देता है। Villagers are displaced and livestock is destroyed. जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें displaced होना पड़ता है यानी अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे इलाके की तरफ जाना पड़ता है। एंड livestock students जानवरों को कहते हैं, जितने भी हमारे जो हमने घर में जानवर पाल रखे होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। द रिमेनिंग वाटर फ्लोज इन टू द अरेबियन सी, जो बाकी का पानी बच जाता है वो सारा का सारा अरेबियन सी यानी बहर अरब में चला जाता है। एंड इट्स देयर फॉर वेस्टेड, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो ज़ाया हो जाता है।
दिस वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, इस पानी को हम हमारे बाद में इस्तेमाल करने के लिए भी रख सकते हैं। इफ़ मोर एंड मोर डैम्स आर बिल्ट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स की तमीर करें। विथ ग्रेटर स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी के ज़्यादा स्टोर होने की वजह से होने के लिए मोर इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, अगर हम ज़्यादा मिकदार में पानी को स्टोर करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है वो भी पैदा कर सकते हैं। एंड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड इरीगेटेड, और बहुत वसी पैमाने पर हम अपने ज़मीनों को सैलाब कर सकते हैं, उन पर आबपाशी कर सकते हैं। टस क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से ज़्यादा मुलाजमतें हासिल करने की जो मौके हैं हमें वो हासिल हो सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहन सहन का जो है मयार है उसको बढ़ा सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस चैप्टर की पेज नंबर 12 और 13 की मैंने रीडिंग की है। उम्मीद है कि आपको इस रीडिंग की समझ आ चुकी होगी। काइंडली आप इसमें इसको घर में भी गौर से 2-3 बार सुने, और उसके बाद ख़ुद भी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।